जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने ड्राइवर यूनिट को घर पर ही किस तरह से रिपेयर कर पाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो दूंगा। छोटा सा वीडियो पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने घर पर ही अपने ड्राइवर यूनिट को रिपेयर कर पाएंगे और इसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ड्राइवर यूनिट से हो रहा है जो 40 वाट का आपको दिख रहा है और यहाँ पर सबसे पहले आप चारों नटे खोलने के बाद जब इसको खोलेंगे तो आपको इसके टाके खोलने पड़ेंगे। इसमें कुछ पानी चला गया है जिसकी वजह से शॉर्ट हो गया है, तो इसे किस तरह से रिपेयर करते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इसमें दे रहा हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसको बड़े आराम से आप खोलेंगे, पानी लगा हुआ है तो इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ खोलना होगा वरना ये आपके टूटने की संभावना रहेगी और अगर आपके ये अंदर कॉइल फंस जाती है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसमें जो भी आपके कोयल या डस्ट जो भी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, तो उसे आप केयरफुली साफ़ कर लेंगे और आप देखेंगे अगर आपकी कोयल अगर शॉर्ट नहीं है तो आप इसे फिर से लगा सकते हैं। अगर आपके कोयल शॉर्ट हो चुकी है, जैसे जैसे मेरे शॉर्ट हो चुका है, बिल्कुल पानी के द्वारा बिल्कुल डैमेज हो चुका है, तो इसे मैं काम में नहीं ले पाऊँगा। तो इसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा बेकार हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपके भी ये बेकार हो चुका है तो उसमें आप नया किस तरह से डाल पाएंगे कोयल उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये नया वाला जो आप देख पा रहे हैं, जो आहूजा कंपनी का मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये पुराना वाला बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये आप अब नया वाला भी देख पा रहे हैं, तो नए वाले को डालते वक्त आपको ध्यान रखना है अपना जो पुराना कोयल डालने के लिए मैग्नेट का जो ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको पूरी सफाई तरीके से करनी है। अगर कुछ भी रह गया उसमें तो आपके जो पंच बनना चाहिए वो पंच ये हाइज में नहीं बन पाएगा, यानी यूनिट में आपको आवाज़ कर 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 की आवाज़ सुनाई देगी। तो इसमें आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना है और सफाई करते वक्त आप इसमें ध्यान रखें, आप इसमें बिल्कुल भी कोताही ना करें, क्योंकि अगर बिल्कुल भी अगर कुछ भी कचरा अगर रह जाता है जहाँ आप अपनी कोयल को फिट करने वाले हैं यूनिट के अंदर, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है और आपकी आवाज़ शो नहीं होगी और लॉन्ग थ्रो जो आपको चाहिए वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये देखिए, ये ब्रश से सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रश से सफाई करने के बाद फूंक मारकर भी इसे पूरा क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर अब इसमें ये जैसे आहूजा का मैं ये डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसे आपको बहुत आराम से लगाना है और लगाने से पहले आपको इसे एक बार सिर्फ सेट कर देखना है कि यह अपने इस डायमीटर में बराबर सेट आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा आपको डायफ्राम लेना होगा और उस डायफ्राम को लेने के बाद आपको यहाँ पर सेट करना होगा। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आपकी कोयल टूट जाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो आपके जो यूनिट है उसी साइज़ का आपको ये लगाना है। लोकल कंपनी का लगाएंगे तो उसमें आपको साइज़ का डिफरेंस आ सकता है, इसीलिए आप रेपुटेड कंपनी यानी अच्छी कंपनी का ही इसे काम में लेंगे। और आपको थोड़ा बहुत लगता है इसमें डाउट है तो आप इसे काय की मदद से थोड़ा सा इसे घिस लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे अंदर फिट कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी कंपनी की जो बनावट आती है उसमें कुछ छोटा बड़ा हो सकता है थोड़ा सा मेजर मिलाने में। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसे थोड़ा सा घिस लेंगे या अपने काय के द्वारा इसे थोड़ा सा आप बर्न कर लेंगे तो ये आपके आसानी से फिट हो जाएगा। ये किनारी जैसे यहाँ पर सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने इसको सेट कर लेंगे साइड को, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसमें इसे सेट कर पाएंगे। ये जब तक सेट होता है तब तक ये आपको आगे क्या करना रहेगा उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। और इस तरह के और वीडियो देखना चाहे तो आप हमारे इसी चैनल में देख पाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाते हैं जो आपको ज़रूर यूजफुल होंगे। और जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, इसमें जब तक आपके ये डायमीटर बराबर नहीं बैठ जाता है उस तरह तब तक आपको इसे सेट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है, छोटा करने की ज़रूरत है, तो ये थोड़ी साइज थोड़ी बड़ी हो रही है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से किया है। अब इसको सेट कर देखते हैं इसमें सेट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर सेट करने के बाद जो आगे आपको करना रहेगा उसकी भी मैं जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर ये सेट करने के लिए आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसे सेट करेंगे तो इसमें आपको बड़े आराम से लगाएंगे। तो इसको लगाने के बाद आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल व्यवस्थित सेट हो चुका है। और इसमें आपको और भी कोई दिक्कत आती है ये
तो आप इसे बिल्कुल आसानी से एक बार रफली हाथों से सेट कर देख लेंगे। कहीं कुछ डिस्टर्ब जैसा लगता है आपको, ये नट में आपको लग रहा है लूज़ है, तो यहाँ पर आप पेचकस की सहायता से इसको भी आप टाइट कर लेंगे और आप इसको सेट कर लेंगे, ताकि ये आपको जब आप वायर कसते तब उस समय पूरा ऊपर का बेस और नीचे का बेस घूमे नहीं। इस तरह से आपको इसमें सेट करना है, और आपको लगता है लूज़ कॉन्टेक्ट है तो उसे आप काय की सहायता से टिप भी लगाकर उसे रोक सकते हैं, यानी यहाँ पर टाका लगा लेंगे कसने के बाद में, और आप इसमें कनेक्शन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है जब कनेक्शन करते हैं तो आपको फ्लेक्स लगाकर ही अपने कनेक्शन करना है, और ज़्यादा आपको यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन को यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा सोल्डरिंग आयरन यूज़ करेंगे तो आपको इसमें जलने की संभावना रहेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कनेक्शन आप बड़े आसानी से दोनों तरफ कर लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइड आपको यहाँ पर शो हो रही है, दोनों वायर आप कनेक्शन करने के बाद काफ़ी आसानी से इसे काम में ले पाएंगे। आपको बिल्कुल सावधानी से ये सारा कार्य करना है, अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपके आसानी से ये सारा काम हो जाएगा, और आप आसानी से इसे ज़्यादा जो बच रहा है आपके वायर उसे आप काट लेंगे। इसी तरह आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ अपने कनेक्शन को कर लेंगे, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको फिट कर पाएंगे। फिट करते वक्त आपको ध्यान रखना है जो आपके मैग्नेट वाली साइड है इसको आपको साफ़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैग्नेट जो नीचे शो हो रही है आपको, इसको अपने कॉइल इसमें फिट होगी जहाँ पर अभी ये टाका लगाया जा रहा है, ये आपको उसमें सेट करना होगा। तो इसमें आपको सेट करते वक्त ध्यान रखना है आपकी कॉइल टूट नहीं जाए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप फिट करते वक्त ज़बरदस्ती करेंगे और आप अगर उसमें ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके कॉइल मिस हो जाएगी या टूट जाएगी, वायर टूट जाएगा, तो फिर आपके इस यूनिट में आवाज़ नहीं आएगी और लॉन्ग थ्रो भी आपको नहीं मिल पाएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आप टाके केयरफुली लगा लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कॉइल जो अब शो हो रही है यहाँ पर आप देख लेंगे, इसमें कुछ टेढ़ा वेढ़ा नहीं हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। टेढ़ी अगर लगाई आपने तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, और लगाने के बाद आपको ये जो चार नट दिख रही है इसको आपको बिल्कुल टाइट नहीं कसना है फर्स्ट में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट में ही अगर आप सीधा लगाते ही आप अगर पूरी तरीके से इसे टाइट फिक्स कर देंगे तो आपके जो पंच बनना चाहिए यूनिट में वो नहीं बन पाएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अब इसे फिट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जैसे हमने नया डायफ्राम लिया था तो वो पुराने वाले को साइड में रख लिया है, फिर से हमने मान लो और कभी ज़रूरत हो तो उसमें से कुछ अगर पार्ट्स की ज़रूरत हो तो उसमें से ले सकते हैं, तो उसको अभी साइड में रख दिया है। और यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ इसे किस तरह से आप अपनी कॉइल को इसमें फिट करेंगे जो आपने टाका लगा लिया है सोल्डरिंग आयरन द्वारा। अब इसको ये यहाँ पर अपने इस मैग्नेट के साथ में इसको फिट करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो अपनी जो कॉइल आपने सोल्डरिंग आयरन की थी उसको आपको इसके ऊपर सेट कर अपने यूनिट में सेट करना है, और बड़े आसानी से आप ये काम कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप बड़े आराम से इसे फिट कर लेंगे। और आपको इसमें जो नट कसनी है वो भी आप जैसे पंखे में वायरिंग वाइंडिंग के बाद में जिस तरह से फिट करते हैं उसी तरह से आपको इसमें जो अपने नट हैं उनको आपको आसानी से लगाना है, और चारों नट लगाने के बाद आप इसमें हल्का सा टेस्ट कर देखेंगे, अगर आपको आवाज़ खरखर आती है तो आप उसको फिर से सेट करेंगे, और नट को थोड़ा खोलकर चारों को बैलेंस करने के बाद ही आप अपने यूनिट को काम में ले पाएंगे, और जो आपको थ्रो मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस तरह आप अपने इस यूनिट को घर पर ही रिपेयर कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसे काम में ले पाएंगे।